हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा ऑनेस्ट होने वाला है। सो ये वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश का मिक्स रहेगा। टुडे आई रियली वांट टू टॉक अबाउट माय जर्नी सो फार एज अ यूट्यूबर। तो मुझे यूट्यूब पे अराउंड एक साल से ज़्यादा हो चुका है। मैंने अराउंड आई थिंक 25 to 30 वीडियोज़ डाली हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। बट मैं इस वीडियो में जस्ट बात करना चाहता था हाउ आई हैव गॉन थ्रू द जर्नी ऑफ यूट्यूब। तो सबसे पहले जब मैंने शुरू किया था लाइक वीडियोस बनाना, मैंने भी सोचा था कि मैं सिर्फ बुक्स के बारे में वीडियोस बनाऊंगा, बिकॉज बुक्स इज समथिंग आई रियली लव एंड आई हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर मोर देन 3-4 इयर्स। सो इट वाज अ नेचुरल थिंग कि इफ़ यू लव समथिंग आप उसके ऊपर वीडियोस बनाओगे। बट देन आई रियलाइज कि आई हैड रन आउट ऑफ टॉपिक्स टू डिस्कस ऑन बुक्स। सो देन आई डिसाइडेड कि बिकॉज आई हैड इंटरेस्ट इन अदर टॉपिक्स ऑल्सो, आई डू एन्जॉय इवन वॉचिंग मूवीज, आई ऑल्सो एन्जॉय वॉचिंग सम वेब सीरीज। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं उन टॉपिक्स के बारे में भी कुछ डिस्कस कर सकता हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो एन्जॉयड यू नो डूइंग दीज थिंग्स। आई ऑल्सो एन्जॉयड वॉचिंग मूवीज, आई ऑल्सो एन्जॉय टॉकिंग अबाउट my opinions on some current affair topics. And the thing is ki this is going something against what is my instinct, because if you read on YouTube or if you watch any YouTube suggested videos jahan pe they provide tips on how to run a YouTube channel, mostly log yahi bolte hain ki aapko ek niche pe focus karna chahiye, aapko ek particular topic ke upar hi videos banane chahiye. But this is not my aim with this channel. I don't want to restrict myself, because मैंने ये चैनल कोई बिजनेस रन करने के लिए नहीं बनाया, अपना करियर इंक्रीज करने के लिए नहीं बनाया। मैंने ये चैनल अपने थॉट्स रखने के लिए बनाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे थॉट्स हैं मैं ऑनेस्टली उनको रखूँ, एंड अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो लोग डेफिनेटली सुनना चाहेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि मैं अभी भी नया हूँ, भले मुझे ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है यहाँ पे, पर मैं अभी भी अपने आप को बिल्कुल नया मानता हूँ। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि देयर इज़ अ लॉट टू लर्न, आई हैव सो मेनी पीपल टू लुक अप टू, एंड देर आर सो मेनी थिंग्स विच आई कैन लर्न। वीडियो एडिटिंग इज समथिंग विच आई लर्न ऑन माई ओन बिकॉज ऑफ यूजिंग यूट्यूब। मेरे को बिल्कुल भी वीडियो एडिटिंग पहले नहीं आती थी, स्टेप बाई स्टेप आई लर्न। आई हैव यूज अराउंड 5-6 वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर स्टिल नाउ, जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट विच इज बेस्ट फॉर मी। सो दिस इज समथिंग आई लर्न ऑन माई ओन, देर वॉज नो वन टू टीच मी। आई मीन देर आर कोर्सेज विच यू कैन टेक, बट आई थिंक वीडियो एडिटिंग इज समथिंग इफ यू लर्न ऑन योर ओन you will be able to understand it much better. So that is why I learned everything on my own. So काफ़ी सारी चीज़ें मुझे खुद सीखनी पड़ी यहाँ पे आने के बाद। I had not taken any course or something like that. And that is why I also enjoy, because there was no one to tell me to do these things. I learned them on my own. So all through this journey I have become better, and I hope to keep getting better through my YouTube journey. Currently I'm also taking a 30-day challenge on YouTube, in which I'm posting a video every 30 days without fail, which is also I have got inspired from someone else. Uski story bhi main aage kahin pe share karunga, but for now I just want to say that I'm not going to give up because there are people in YouTube who have joined YouTube and given up very easily, and because of small issues. I don't want to do that. Because this is my journey and I want to document it on YouTube. Everything I feel, everything I think about and I have opinions on, मैं उससे अपने आप में नहीं रखूँगा। I will want to share it with someone, because I know there is someone out there probably who is going to understand, and probably they are going to come back with their own opinion. That is something I really enjoy, talking about things which we have interests on. So just this was an honest video I wanted to create, sharing all my thoughts on what I have faced till now on YouTube. So if you enjoyed the video, do not forget to subscribe to my channel, like the video and share it, and also keep reading, and I will see you soon. Thank you for watching.